और इसके आगे का, इसके आगे का नियम और भी महत्व का है। आप सुबह का खाना खाते हैं तो उसका समय निश्चित कर दीजिए, और शाम का खाते हैं उसका भी समय निश्चित कर दीजिए। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित करें? सुबह का खाना खाने का सबसे अच्छा समय है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का, सुबह का सबसे अच्छा समय 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का जो समय है, ये लंच का, सुबह के, दोपहर के भोजन का सबसे अच्छा समय है, और शाम का 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। तो सुबह का खाना 9 से 11 के बीच में और शाम का 5 से 7 के बीच में। अगर ये नियम आपने जिंदगी भर रख लिया तो मैं आपको आयुर्वेद की तरफ से गारंटी देता हूं कि जिंदगी में कम से कम आपको 70 से 75 रोग कभी नहीं आएंगे। सुबह 9 से 11 जो खाना खा रहे हैं और शाम को 5 से 7 जो खाना खा रहे हैं, किसी को डायबिटीज होने के चांस नहीं। सुबह जो 9 से 11 खाना खा रहे हैं, शाम को 5 से 7 खा रहे हैं, किसी को गुर्दे दुखने की तकलीफ नहीं है, जब तक कि वो कोई बड़ी मूर्खता ना करे। सुबह 9 से 11 के बीच खाना खा रहे हैं, शाम 5 से 7 खा रहे हैं, कभी अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस होने की समस्या नहीं। सुबह 9 से 11, शाम 5 से 7 अनिद्रा की कोई समस्या होने की संभावना नहीं। आपको ये जो आधा सिर का दर्द होता है, माइग्रेन जिसको कहते हैं, कभी भी होने के चांस नहीं। तो ऐसे 70 से 75 रोग हैं जो जिंदगी में अपने आप ही नहीं आएंगे अगर सुबह 9 से 11 और शाम 5 से 7 खाना खाएंगे। आप बोलेंगे ये समय का चक्कर क्या है? ये समय का चक्कर सीधा सा ये है कि सुबह को 9 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे पेट का वो हिस्सा जहां भोजन का पाचन होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है सुबह 9 से 11, और शाम 5 से 7 के बीच में भी वही हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आयुर्वेद का एक अध्याय है कि शरीर का कौन सा अंग किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसका पूरा वर्णन है विस्तार से। आपको मालूम है रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपका हृदय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए आपने कभी महसूस किया है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में ही आते हैं। अगर आप 100 पेशेंट की फाइल पढ़ेंगे हार्ट अटैक के केस की, तो 90% पेशेंट को हार्ट अटैक 2:30 बजे से 4:30 के बीच में ही आया होगा। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे से 4 बजे हृदय का सबसे ज्यादा सक्रियता होती है। ऐसे ही हमारे पेट का जो हिस्सा भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, उस हिस्से की सक्रियता सुबह 9 से 11 के बीच में होती है, शाम को 5 से 6 के बीच, 7 के बीच में। तो जिस समय पेट का वो हिस्सा जो भोजन को पचाता है सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसी समय अगर भोजन किया तो वो आपके लिए सुवर्ण के जैसा है, सोने के जैसा है, और वो समय के आगे पीछे किया तो वो इतना अच्छा लाभकारी नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सुबह अगर 9 से 11 खाना खाना है तो नाश्ते का क्या? नाश्ता बंद कर दो, नाश्ते को ही खाना बना लो। आप जो है ब्रेकफास्ट मत करो, ब्रेकफास्ट की जगह सीधे लंच करो, सीधे खाना खाओ, 9 बजे भरपेट खाना खाओ, 10 बजे भरपेट खाना खाओ, सुबह नाश्ता मत करो। तो नाश्ता अगर छोड़ देंगे तो सुबह 9 से 11 भरपेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि भूख लगेगी ही आपको, क्योंकि वो अंग सक्रिय है तो भूख लगने ही वाली है। इसलिए गांव के लोग सुबह सुबह जो भरपेट खाना खाते हैं ना, वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है। ज्यादातर गांव में शेतकरी नागरिकों को मैंने देखा है, वो सुबह अच्छा जम के खाना खाते हैं, वो सबसे अच्छा है। हम शहर में रहने वाले थोड़े बिगड़ गए, हमारा दोपहर का खाना 2 बजे पहुंच गया है, हाँ ये सबसे खराब है। ना सुबह रहती है ना शाम रहती है, 2 बजे का समय सबसे खराब समय है। लेकिन ज्यादातर लोग हम 2 बजे के आसपास ही खाते हैं। ये बंद करके बदल दीजिए, सुबह का 9 से 11 के बीच खाना खाइए, बहुत अच्छा जिंदगी आपकी रहने वाली है।